सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन कराने लगी हूँ। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करने के बाद इसमें जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज 1.3 को इजीली कर पाओगे, राइट? तो चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 में बता रखा है एस्टिमेशंस, राइट? ये एस्टिमेशंस होता क्या है? व्हाट इज एस्टिमेशंस? एस्टिमेशंस को हम अप्रोक्सीमेट भी कह सकते हैं, मींस लाइक हिंदी में हम इसको लगभग या आसपास, राइट? फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं नंबर कोई लिखती हूं, कोई डिजिट में 16 डिजिट लिखती हूं, तो ये 16 डिजिट किसके अप्रोक्सीमेट है? जैसे फॉर एग्जांपल, ये 10 और 20 के बीच का नंबर है, राइट? बट 16 किसके अप्रोक्सीमेट है, मतलब मींस किसके नियरेस्ट है, किसके पास पड़ेगा? ये ऑब्वियस है, 20 के पास पड़ेगा, राइट? सो इससे रिलेटेड ही ये चैप्टर्स है, तो इससे रिलेटेड हम इस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। एंड सेकंड एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नंबर लिखा है 182 प्लस 236, सो इसका हमने क्या निकालना है? एस्टिमेशंस। तो स्टूडेंट्स, हम इसके एस्टिमेशंस निकालेंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ 182, राइट? अच्छा स्टूडेंट, इसको इजीली एस्टिमेशन किस तरह से निकालेंगे मैं आपको इसको इजी ट्रिक्स बताऊंगी कि ये 182 है, फॉर एग्जांपल नंबर 182 है, अगर इस किसी भी नंबर्स का सेकंड डिजिट नंबर, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 182 का एस्टिमेशन निकालना है, राइट? सो इसकी मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ कि अगर किसी भी डिजिट का सेकेंड डिजिट नंबर 5 डिजिट से अबव होगा अगर सेकेंड डिजिट नंबर, तो उसके हम आगे वाले नंबर में 1 नंबर ऐड कर देंगे। सो 182 का एप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा हमारा? राउंड ऑफ 200। ओके स्टूडेंट, अगर किसी नंबर का सेकेंड डिजिट नंबर 5 डिजिट से अबव है तो हम उसके आगे वाले नंबर में 1 नंबर ऐड कर देंगे। सो 182 का एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? 200 राउंड, राइट? सो सेकेंड इज राउंड ऑफ 236। अब मैंने 236 का राउंड ऑफ निकालना है, राइट? सो इसके एस्टिमेशन में किस तरह से निकालूंगी? सिमिलर, इसका भी अगर सेकेंड डिजिट नंबर 5 डिजिट से कम है, अगर किसी भी नंबर का सेकेंड डिजिट नंबर 5 डिजिट से कम है तो उसका आगे वाला नंबर सेम एज इट इज रहेगा। सो इट मींस 236 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 200। ओके स्टूडेंट, इट इज आवर इजी ट्रिक। तो इस इजी ट्रिक से ही आप इजीली इस क्वेश्चंस को कर पाओगे। सेकेंड थिंग, यहां पे मैं एक और नंबर ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 158, राइट? इसका मैंने राउंड ऑफ निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? राउंड ऑफ 158, राइट? बट इसमें अब सोचने वाली बात है, इसका सेकेंड डिजिट नंबर 5 है, सो 5 तो मींस अगर 5 नंबर है वो 0 और 10 के बीच का नंबर है, तो ये तो इक्वल रहेगा, 5-5 का ही डिफरेंस रहेगा। सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर किसी डिजिट को, कोई किसी नंबर का सेकेंड डिजिट 5 ही है, तो उसका आगे वाला नंबर में हम 1 नंबर ऐड कर देंगे, 1 नंबर ऐड कर देंगे। अगर किसी भी डिजिट का सेकेंड डिजिट नंबर 5 है, तो उस नंबर के आगे वाला डिजिट में हम 1 नंबर ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, सो इजीली हम इसका इजीली एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, तो हम इसका इजीली एस्टिमेशन फाइंड कर सकते हैं। 200 + 200 + 200 = 4600। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट, इससे रिलेट ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आप अगर इस ट्रिक्स को अच्छे से अपना लेते हैं और इस ट्रिक्स को अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम इसको, इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। सो होप सो आपको मेरे द्वारा बताई गई ये ट्रिक समझ में आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको सेम एक्सरसाइज 1.3 के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।